गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कस बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो N2 मॉलिक्यूल का जो है हम ऊर्जा स्थिरारेख के बारे में आज अध्ययन करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका बॉन्ड आर्डर क्या निकलेगा और बॉन्ड आर्डर के आधार पर इसे हम ये कह सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन अणु। तो नाइट्रोजन अणु जो है वो क्या होता है, दो नाइट्रोजन परमाणुओं के सहयोग से मिलकर बना होता है। अब जो प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो कहने में ये है कि नाइट्रोजन जो अणु होता है वो दो नाइट्रोजन परमाणुओं के सहयोग से बनता है। एक नाइट्रोजन परमाणु ये और ये दोनों मिलकर नाइट्रोजन अणु का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तो प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p3। तो इसी तरह दूसरे का भी यहां पर 1s2, 2s2, 2p3। तो नाइट्रोजन परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये है 1s2, 2s2, 2p3। अब यहां पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के जो परमाणु है उसमें कितने संयोजी परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर जो 1s कोष है वो पूरा भरा हुआ है और दूसरा कोष जो L कोष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो नाइट्रोजन परमाणु के बाहरी कोष में या संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो दूसरे नाइट्रोजन परमाणु में भी 5 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां पर। ये क्या है, हमारे संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है क्या है, 10। तो यहां पर जब 10 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम में हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले अभी हमने यहां पर निकाला था परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम इसका अणु को अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो क्या होगा, अणु कौन सा है हमारा, N2। तो N2 का अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहां पर जो N2 है, N2 का अणु कक्षक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो उसको हम देखते हैं यहां पर के और इसके बाद के हमने लिया है यहां पर सिग्मा स्टार के लिए, उसके बाद है यहां पर सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद है पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2 और लास्ट में यहां पर आएगा सिग्मा 2pz2। तो ये इसका नाइट्रोजन के अणु कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जहां पर हम देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन जो थे इसके संयोजी कोष में, तो यहां पर पूरे हो रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पर इसके संयोजी कोष में ये इलेक्ट्रॉन हुए और इसके आधार पर अब हम इसका बॉन्ड आर्डर निकालेंगे।
बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। तो यहां पर एन बी क्या है, जितने हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम काउंट करेंगे, और एन ए है जो हमारे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको काउंट करेंगे। तो यहां पर बॉन्डिंग वाले में कितने हैं, दो चार छ और दो आठ, तो यहां पर एट, और एंटी बॉन्डिंग में टू इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर ये निकला सिक्स अपॉन टू इक्वल टू थ्री। तो ये जो थ्री आया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का जो अणु है उन दोनों परमाणुओं, मतलब नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं उन दोनों में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, और इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब हम इसका देखेंगे कि यहां पर इसके अकॉर्डिंग अब हम इसके जो है भरेंगे और ये देखेंगे कि यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसका जो मैग्नेटिक नेचर देखेंगे वो हम बाद में यहां पर देखेंगे कि हमारा जो एनर्जी लेवल डायग्राम में सारे कक्षक पूरे तरीके से फिल हो रहे हैं या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो उसके बेस पर हम इसके जो हमारा अणुकक्षक इलेक्ट्रोन्यास है उसके आधार पर हम इसके इलेक्ट्रॉनों को यहां पर फिल करेंगे। तो हमारा यहां पर 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से आकर ये पूरा फिल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल हो रहे हैं। तो यहां पर जो हमारा सेकेंड ऑर्बिटल है 2s उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले परमाणु के उसमें 2s में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक यहां से इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s में फिल होता है। इसके बाद बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहां से और एक इलेक्ट्रॉन यहां से सिग्मा स्टार 2s में फिल यहां पर हो जाते हैं। अब हम देखते हैं यहां पर कि 2p3, तो यहां पर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है जो हमारा पीएक्स पीवाई पीजेड, इसी तरह यहां पर भी पीएक्स पीवाई पीजेड में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल है। तो यहां पर ये जो पीएक्स पीवाई पीजेड में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से पीएक्स का एक इलेक्ट्रॉन और यहां से पीएक्स का एक इलेक्ट्रॉन आकर यहां पर ये पाई टू पीएक्स में भर जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, पीवाई का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई टू पीवाई में यहां पर फिल हो जाते हैं। अब बचा हुआ पीजेड का एक इलेक्ट्रॉन और पीजेड का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर सिग्मा टू पी जेड का निर्माण करते हैं, और यहां पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है या भरने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, और हमारे जो अणुकक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो सभी पेयर्ड है, तो जिसके कारण जो हमारा यहां पर इसकी चुंबकीय प्रकृति होगी वो कैसी होगी, हमारी डायमैग्नेटिक होती है। इसको एक बार हम पुनः देखते हैं कि जो हमारा सिग्मा स्टार बनेस है ये पूरा कोर्स हमारा फुलफिल है या पूरा भरा हुआ होता है, तो इसलिए इसको हम यहां पर क्या लिखते हैं, के ये कोर्स होता है जिसकी हम लिखते हैं के, और इसके आगे का जो हमारा एल कोर्स होता है उसमें ये 2s 2p ये भी आते हैं, तो कहने वाले ये है दोनों आते हैं, तो इसकी ये पूरा भरा हुआ नहीं है, तो उसकी हम जो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 2s में भी दो भरा हुआ ये भर गया है, जबकि पी कक्षक हमारे यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं भरा हुआ है, तो उनके जो बॉन्ड निर्माण होते हैं पीएक्स और पीएक्स यहाँ पर पाई टू पीएक्स
का निर्माण करते हैं और दोनों ये पूरा जो कक्षक है भरा हुआ होता है। इसी प्रकार पी वाई और पी वाई का एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें पाई टू पी वाई में भर जाते हैं। और ये दोनों जो कक्षक होते हैं वो कैसे हैं, समान ऊर्जा वाले होते हैं। और समान ऊर्जा वाले कक्षकों को हम क्या कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। अगर यहां पर दो ही इलेक्ट्रॉन होते पी कक्षकों में तो एक इलेक्ट्रॉन पाई टू पी एक्स में भरा जाता और एक इलेक्ट्रॉन पाई टू पी वाई में भरा जाता। तो यहां पर ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जो रेखा है या एरो है, वो ये दर्शाता है कि यहां नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा बढ़ रही है। तो इसे हम कहेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी। ये जो एरो है वो नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम को दर्शा रहा है। तो अब इसका देखेंगे कि जो मैग्नेटिक नेचर है वो कैसा है हमारा, डाई मैग्नेटिक है, क्योंकि इसके प्रत्येक ऑर्बिटल भरे हुए हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो डायमैग्नेटिक होता है। तो इस तरह हमने नाइट्रोजन अणु के एनर्जी लेवल डायग्राम का आज अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।